गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे पोयम है एक बी अ फ्रेंड, उसको पढ़ेंगे, फिर उसके आगे के काम को करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग ये पोयम करने जा रहे हैं। इसका नाम है बी अ फ्रेंड। ये पोयम लिखी है एक आपके अमेरिकन पोएट एडगर एल्बर्ट गेस्ट, एडगर एल्बर्ट गेस्ट, ठीक है ना। इन्होंने लिखी थी ये पोयम। इनका जन्म 1881 में और मृत्यु जो हुई 1959 में हुई। ठीक, ये अमेरिकन पोएट थे। इन्होंने बहुत सारी पोयम्स लिखी। इन्होंने जो पोयम लिखी बी अ फ्रेंड, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। इस पोयम के अंदर उन्होंने बताया है कि किसी को दोस्त बनाना, किसी के साथ दोस्ती करना कितना आसान है, कितना अच्छा है, इसके ऊपर इन्होंने ये पोयम लिखी है। तो चलिए हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं और इसके मतलब को भी समझते हैं। बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड मनी। दोस्त बनने के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड मनी, जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी। डिस्पोजिशन का मतलब स्वभाव, ठीक है। बस अपने स्वभाव, क्या चाहिए तुम्हें? एक सनी स्वभाव। सनी स्वभाव का मतलब एक हसमुख स्वभाव, स्वभाव अब तुम्हें चाहिए। दोस्त बनाने के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस एक हसमुख स्वभाव हो। तुम हंसते मुस्कुराते रहो तो देखो तुम्हारे सब दोस्त बन जाएंगे। देखो मैं साथ साथ ये लगाता चल रहा हूँ हार्ड वर्ड पे, ठीक है। ये डिस्पोजिशन इस पे लगा लेंगे। जस्ट द विश टू हेल्प अदर अनदर। बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए किस चीज़ की? दूसरों की मदद करने के लिए। गेट अलॉन्ग सम वे और अदर, अलॉन्ग के नीचे लगा लेंगे। बस दूसरों के साथ चलने के लिए। जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड, अपने मदद के लिए हाथ बढ़ाने की इच्छा होनी चाहिए। देखो क्या पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे स्वभाव को अच्छा होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, दूसरों की मदद करने की तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, दूसरों के सुख दुख में साथ चलने की तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, और साथ में दूसरों की मदद करने के लिए तुम्हारे हाथ सदैव बढ़ते रहें, ठीक है। ये एक्सटेंडेड के नीचे और ये काइंडली के नीचे भी लगा लेंगे। आउट टू वन हुज अनबीफ्रेंडेड, जस्ट डैट विल गो और लैंड, दिस विल मेक योर समवंस फ्रेंड। और उन लोगों को, आउट टू वन हुज अनबीफ्रेंडेड, जिनका कोई मित्र नहीं है, जो मित्रहीन है, उनके साथ दोस्ती करने की इच्छा होनी चाहिए, उनके साथ जुड़ने की इच्छा होनी चाहिए। तो दिस विल मेक यू समवंस फ्रेंड, ये तुमको किसी का दोस्त बना देगा। अनबीफ्रेंडेड के नीचे लगा लेंगे, ठीक है। ये जो निशान लगा रहा हूँ ये आपके हार्ड वर्ड है, इसको नोट करेंगे, ओके। चलिए आगे के स्टैंजा में हम लोग पढ़ते हैं। बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड ग्लोरी। तुम्हें, देखो उन्होंने ऊपर पहले बोला कि मनी की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस किस चीज़ की ज़रूरत है? अच्छा स्वभाव हो, दूसरों की मदद करने की तुम्हारी अंदर इच्छा हो, दूसरों के सुख दुख में साथ चलने की तुम्हारी इच्छा हो, दूसरों के लिए दयालु भरे हाथ बढ़ाने की इच्छा हो, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने की इच्छा हो जिनका कोई मित्र ना हो, तो तुमको दूसरे साथ दोस्त बना देगा। अगले स्टेंजा में वो कहते हैं, बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब यश, प्रसिद्धि। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम बहुत महान हो, तुम बहुत यशवान हो, तुम्हें बहुत प्रसिद्धि मिली हुई है तो तुम्हारे दोस्त बनेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड ग्लोरी। फ्रेंडशिप इज अ सिंपल स्टोरी। दोस्ती एक बहुत ही साधारण कहानी है, बहुत ही साधारण चीज़ है। पास बाय ट्रिफलिंग एरर्स ब्लाइंडली। पास बाय ट्रिफलिंग, देखिए ट्रिफलिंग के नीचे लगाएंगे, देखो यहाँ देखो, पहले आप इसके ग्लोरी के नीचे लगा लीजिए, है ना, फिर ट्रिफलिंग के नीचे लगा लीजिए, ब्लाइंडली के नीचे लगा लीजिए, है ना। ट्रिफलिंग एरर्स, पास बाय ट्रिफलिंग एरर्स ब्लाइंडली, दूसरों के कमियों को अनदेखा करने की। भाई हम दूसरों की अच्छाइयों को देखेंगे, कमियों को नहीं देखेंगे। गेज ऑन ऑनेस्ट एफर्ट काइंडली।
भाई देखो, दूसरों की गलतियों को नहीं देखेंगे हम लोग, दूसरों के क्या सही प्रयासों को देखेंगे, उनकी तरफ अपनी निगाहें, गेज का मतलब निगाहें होता है ना, उनकी निगाह, उनकी दूसरे, उनकी अच्छाइयों को देखेंगे। चीयर द यूथ हुज ब्रेवली ट्राइंग, हम उनको चीयर करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे जो अच्छे काम करेंगे। पिटी हिम हु सैडली सिंगिंग, और जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंड ऑन द ड्यूटीज ऑफ फ्रेंड, बस थोड़ी मेहनत करके हम लोग थोड़ी सा प्रयास करेंगे कि जो दुख भरे गीतों में या दुख दुख से भरे हुए हैं उनको उनसे बाहर निकालने की, ठीक है, और अपने दोस्तों के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो हमें हमारा फ्रेंड मिल जाएगा। ठीक है, देखो अगला स्टैंडर्ड क्या कहता है। बी अ फ्रेंड, द पे इज बिगर देन इज अर्न बाई पीपुल क्लेवर। देखो ये दो लाइनें मिला करके, बी अ फ्रेंड द पे इज बिगर, यहाँ पर फिगर्स के मतलब यहाँ पर पैसे की बात नहीं कर रहा है वो, है ना, देन अर्न बाई पीपुल क्लेवर, जो बहुत चालाक आदमी होते हैं, जो लोगों से धन ऐंठते हैं, तो उसे उनसे तुम अगर किसी के दोस्त बन जाओगे तो उनसे भी ज़्यादा तुम बड़े इंसान अर्न कर सकते हो, उनसे भी ज़्यादा तुम्हें पे मिलेगी, है ना। मतलब कहने का, देखो कहते हैं ना कि पैसे से ज़्यादा इंसान कमाना चाहिए, इंसान कमाने की सुख दुख में तुम्हारे साथ दोस्त खड़ा होगा, पैसा नहीं, कई बार पैसा काम नहीं आता है, दोस्त ही काम आता है। इन वॉट्स मेयरली सेल्फ एंड वेयर यू विल हैव फ्रेंड इंस्टेड ऑफ नेवर्स। देखो अपने प्रयासों से अपने पड़ोसियों के अलावा भी आप अपने फ्रेंड बनाइए, फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर यू विल रिचर इन द एंड देन प्रिंस ऑफ यू आर अ फ्रेंड। इस इन प्रयासों से तुम उस राजकुमार से भी ज़्यादा अमीर हो जाओगे, है ना, क्योंकि जिनके पास अच्छे दोस्त होते हैं, जो अच्छे मित्रवत व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, वो बड़े से बड़े राजकुमारों से भी ज़्यादा अमीर होते हैं, है ना। तो ये तुम्हारी पोयम थी, इसके मैंने, ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड लगा दे रहा हूँ, उनको आप साथ साथ, ठीक है, करेंगे, इनको आप अपनी बुक पे लिख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर भी लगाए हैं हार्ड वर्ड के नीचे निशान, यहाँ पर भी लगाए हैं और यहाँ पर भी लगाए। आपको करना क्या है, आपका होमवर्क, आपको यहाँ से ले करके यहाँ तक ये पोयम याद करनी है, ठीक। कितनी लाइंस होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस आपको याद करनी है, ये 8 लाइंस आपको कॉपी पे लिखनी है, उसके बाद हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, वो भी आपको किसमें करना है, कॉपी पे करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।